Welcome to this Thursday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chowdhury and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ मिस्टर ए के भट्टाचार्य. मिस्टर भट्टाचार्य नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. नमस्कार. और अब हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी. एट द स्टॉक मार्केट सेंसेक्स क्लाइम्स 272 पॉइंट्स, निफ्टी एडवांसेस 107 पॉइंट्स, रुपी अप्रिशिएट 16 पैसे अगेंस्ट द यूएस डॉलर. फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीजेज अ सेकंड मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 9,871 करोड़ रुपीज एज ग्रांट टू 17 स्टेट्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर. एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर्मुलेट्स अ स्पेशल खरीफ स्ट्रेटजी टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस. शेयर बाजारों में सेंसेक्स 272 अंकों की तेजी में रहा. निफ्टी में 107 अंकों की बढ़त दर्ज हुई और रुपए में डॉलर के मुकाबले 16 पैसे की तेजी रही. वित्त मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अनुदान के रूप में 17 राज्यों के लिए 9,871 करोड़ रुपए की दूसरी मासिक किश्त जारी की. और कृषि मंत्रालय ने दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए विशेष खरीफ कार्यनीति तैयार की. शेयर बाजारों में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.6% की वृद्धि से 272 अंक बढ़कर 48,950 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.7% की वृद्धि से 107 अंक बढ़कर 14,725 पर बंद हुआ. व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.9% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.6% की वृद्धि दर्ज हुई. At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 272 points, 0.6% to close at 48,950 today. Nifty at the National Stock Exchange advanced 107 points, 0.7% to 14,725. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index added 0.9% and the Small Cap Index rose 0.6%. Market breadth on the BSE was positive. All the sectoral indices on the BSE ended higher, with the metal index leading the rally, surging 2.7%. Auto index advanced 1.8%. IT and basic materials index climbed 1.4% each. Tech index added 1.2%. Industrials index rose 0.8%. Power, capital goods, realty and utilities indices gained 0.7% each. And energy, finance and consumer durables index climbed 0.6% each. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत हुआ और एक डॉलर की कीमत 73.76 रुपए दर्ज हुई. मिस्टर भट्टाचार्य, आज लगातार दूसरा दिन है जब बंबई शेयर बाजार में तेजी आई है और दो दिनों में 700 अंकों से अधिक की तेजी दर्ज कर चुका है सेंसेक्स. क्या कारण आपको दिखाई देते हैं इस अपवर्ड मूवमेंट के पीछे? दो कारण मुझे लग रहे हैं. पहला तो कारण है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अनाउंसमेंट था, कल का अनाउंसमेंट जो था, जिससे कि जो एमएसएमई सेक्टर का रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक को, जो मिनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग करना और 50,000 करोड़ का जो एक नया जो एक अनुदान दिया गया है, और चौथा जो मेजर आरबीआई ने अनाउंस किया था वो था कि किस तरह से जो संस्थाएं जो स्टेट्स के पास जो पैसे की कमी डेफिसिट है, वो पैसे का एक जिसे कहते हैं जी सैप, जिसे कहते हैं कि मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में वो पैसे का वो रिलीज करना. इस ये कारण से मैं समझता हूँ कि मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी आई है. दूसरा मैं ये मुझे लग रहा है कि जो
जो दूसरी लहर की जो हमने बात की थी, दूसरी जो कोविड 19 की दूसरी लहर, उसमें काफी रिपोर्ट्स दो दिन में आई हैं जिसमें ये दिख रहा है कि शायद दूसरी लहर की जो सेकेंड पीक जो है, लहर की जो पीक जो है वो शायद मई के दूसरे हफ्ते के बाद और मई के आखिर तक डिक्लाइन होना शुरू होगा। शायद मार्केट को ये लग रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए थोड़ी बहुत जो नीचे गिर गया था दो दिन के लगातार राइज मार्केट में तेजी दिखी है। एकेबी, the steel sector metal index went up by 2.5%, which was five times more than what the Sensex went up by 0.56%. The biggest gainer being Hindalco, but really wasn't the driver the fourth quarterly earnings of Tata Steel in terms of production, and now they're also into the production of oxygen. How do you see the metal index, which has been volatile? It's a beta stock, but it has been going up and up for quite some time now. Well, it is not just Tata Steel. The entire steel sector has done well. The JSW results have also been very impressive. So, taken together, the metal space has seen new opportunities. There has been better in a pricing power for these companies. Which is why these companies overall the bottom line has improved significantly. So the market is probably reacting to that kind of the good news, the results of these metal sector companies. मेटल सेक्टर के अलावा और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके जो रिजल्ट्स हैं, कंपनी अर्निंग्स जो भी आई हैं, क्वार्टरली अर्निंग्स, वो उत्साहजनक हैं और उनके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज के रिजल्ट्स जो भी कंपनी के अभी तक आई है उसने काफी वो आशाजनक रिजल्ट्स आए हैं। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में देखेंगे, आप आईसीआईसीआई बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी रिजल्ट आ गया है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो काफी एक अच्छा परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर का हुआ है। और तीसरा सेक्टर है मेटल सेक्टर, उसका भी काफी परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। जो फोर्थ क्वार्टर में यानी जनवरी से अप्रैल में जो क्वार्टर जो मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो कंपनियां जो जुड़ी हुई थी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और उसी से लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी बहुत जो हलचल या तेजी जो दिख रही है आपको। एकेबी, यू स्पोक अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स, द पीएसयू इंडेक्स वॉज करेक्टेड टूडे बाय 1.17%. बैंक निफ्टी was in fact marginally up, which includes your public and the private sector banks. What are the expectations of the PSU bank results, apart from State Bank of India, which is a Maharatna company? What about the other PSU banks? What are the expectations of that? The post-consolidation, some of the companies, some of the public sector banks should see better performance because the fourth quarter would also reflect the loan recovery decisions that were taken in the earlier part of the year. The net interest margins has also seen an improvement for these public sector banks. But largely it is a net interest margin improvement which has fueled the rise in the performance of public sector banks. मिस्टर भट्टाचार्य, अगर हम एफपीआईज की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो वो अप्रैल में नेट सेलर्स रहे भारतीय बाजार में, कई महीने नेट बायर्स रहने के बाद, सो आपको क्या लगता है कि क्या यही ट्रेंड, जो बदला हुआ ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले तीन चार हफ्तों से, वही ट्रेंड आगे भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जब तक ना ये दूसरा जो कोविड 19 का लहर कंट्रोल में नहीं आता है, मैं समझता हूँ कि यही रवैया चलेगा। पर अगर आप ये जो एफपीआई सेक्टर फ्लोज की बात कर रहे हैं,
हालांकि अगर आप एग्रीगेट फिगर्स देखेंगे उसमें काफी कमी आई है, पर अगर आप उसी एग्रीगेट नंबर में अगर आप एफएमसीजी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, पावर सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, ये जो पांच सेक्टर हैं जो मैंने पहले भी कहे थे आपको, ये पांच सेक्टर में इन्होंने काफी एफपीआई के जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की फ्लो एक्चुअली बड़ी है अप्रैल में, घटी नहीं है। जहां घटी है वो मीडिया कंपनी में घटी है, सीमेंट कंपनी में घटी है, फार्मा कंपनीज में घटी है, ऑटो कंपनीज में घटी है। तो मैं इसका मतलब, मैं बोलने का तात्पर्य यही है कि जो एफपीआई फ्लोज जो है वो भी सेक्टर स्पेसिफिक देख रहे हैं। जिस सेक्टर जो दूसरी लहर से ज्यादा परेशान नहीं हुई है उन सेक्टर्स में पैसे अभी भी पॉजिटिव फ्लोज आ रही हैं, पर जिन सेक्टरों में जो दूसरी लहर कोविड-19 की दूसरी लहर से इम्पैक्ट हुआ है उसमें एफपीआई फ्लोज घट गए हैं। और शायद जो वैल्यूएशन भी वहां बहुत ज्यादा थी, एकदम कहा वो काफी एक्सपेंसिव थे, काफी प्राइसिंग ज्यादा था उनका, तो वहां से उन्होंने प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गए। एकेबी, दी एफआईआईज एंड एफपीआईज आल्सो हेजिंग देयर पोजीशन इन दी एफएनओ मार्केट। इफ यू लुक एट द फ्यूचर्स मार्केट फॉर इंस्टेंस, वी आर सीइंग अ शॉर्ट बिल्डअप इन बैंकिंग स्टॉक्स, बोथ प्राइवेट and public banking stocks. But my question really is on the auto index. Even though the April figures for sales has gone up, but in comparison to month on month and year on year, it's come down. But the index went up by almost 2%. What are the prospects? How are the investors really looking at the auto index, not only in terms of sales, but the change in technology and policy of the government? See, if you look at the auto sector in the immediate short term, the outlook doesn't look very good because the auto companies have already, in anticipation of a build up of the inventories, and the build up of inventories has been quite substantial in April as well as in the first week of May. So in anticipation of that, they have already advanced their annual maintenance schedule and trying to use up that this time for the annual maintenance shutdown schedule. But if you look at it in a medium to long term, I think auto sector is one area which will remain quite buoyant, because the inherent demand potential in the economy, remember that both in terms of personal transportation as well as in terms of the share aggregator companies, the auto sector has a potential of doing well, even though I do accept that the auto sector over a 5-year period actually has not grown at all. They have stayed where it used to be 5 years ago. But as I said, in the short term, the outlook doesn't look very positive. But in the medium to long term, I would say that there is something to look forward to in this sector. मिस्टर भट्टाचार्य, आपने अभी थोड़ी देर पहले आरबीआई के जो कल के मेजर्स हैं उनका हमें ब्यौरा दिया कि क्या क्या मेजर्स आए हैं। आपको लगता है कि एमएसएमईज के लिए जो मेजर्स लाए गए हैं वो पर्याप्त हैं या कुछ और सपोर्ट की भी आपको आशा है? देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेजर्स जो थे वो मेनली फाइनेंशियल या मॉनेटरी साइड में थे। एमएसएमई सेक्टर समझ लीजिए आप करीबन 94% हमारी देश की जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को अकाउंट करती हैं, और अगर आप देखें कि करीबन 100 लाख करोड़ की अगर हमारी एनुअल लेंडिंग है बैंकिंग सेक्टर से, तो करीबन 13 लाख करोड़ की जो लेंडिंग जाती है एमएसएमई सेक्टर को। तो अगर आप ये 13 लाख करोड़ की जो लेंडिंग जो है उसको ये एक बहुत बड़ा एक रिस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी दिया गया है, जो कि पहले जो फर्स्ट जो रिस्ट्रक्चरिंग जो स्कीम था उसके ऊपर बढ़कर है ये। तो मैं ये समझता हूं कि जो भी एमएसएमई कंपनी जिसकी 25 करोड़ की जो एक्सपोजर है जो कि आउटस्टैंडिंग है, वो इस रिस्ट्रक्चरिंग सुविधा का उपभोग कर सकता है,
उसका फायदा उठा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा एक 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 लाइफलाइन साबित हो सकता है, पर इसके साथ सरकार को भी मैं समझता हूँ कि एक फिस्कल पॉलिसी फाइनेंशियल एलोकेशंस का एक शायद आशा कर सकते हैं हम, क्योंकि जिस तरह से पहली वेव में सरकार ने अपना एक अनुदान ग्रांट्स एलोकेशन बढ़ाए थे, उसी तरह जो सेकेंड वेव का में काफी एनालिस्ट काफी एक्सपर्ट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि सरकार करीबन 4-5 लाख करोड़ का ऐसा कोई ऐलान करे जिससे कि जो 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 लो इनकम कैटेगरी लोग हैं, जो सेक्टर्स काफी सेकेंड वेव के चपेट में आए हैं, उनकी सुविधा के लिए एक एक नया पैकेज आए। मॉनेटरी पॉलिसी पैकेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, मैं समझता हूँ इसके बाद सरकार से फिस्कल या फाइनेंशियल पॉलिसी की पैकेज आने की उम्मीद कर सकते हैं हम। एकेबी, दी फार्मास्यूटिकल सेक्टर सॉ करेक्शन एज वेल डिस्पाइट द यूएस गवर्नमेंट सपोर्टिंग अ वेवर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन्स फॉर COVID-19. व्हाई इज़न्ट दैट गिविंग अ फिलिप टू द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, और विल इट गिव इट फिलिप टुमारो? वर्क्स बोथ वेज, बिकॉज सच ए वेवर विल ऑल्सो मीन that the existing companies, existing vaccine manufacturing companies will suddenly have to stare at the prospects of losing their exclusivity and exclusive marketing and production rights in the Indian market. So therefore, the pharma index is probably reflecting that temporary nervousness because the market is huge, and right now the many Indian pharma vaccine makers are right now barred from getting into the space. But if once US allows that, my sense is there will be competitive pressure on the existing vaccine manufacturers in this country also to share their know-how, the intellectual property rights, to be used by other companies which are waiting in the wings to take advantage of the market. So I think if the farmers index has seen some sort of softening, it could be as a result of that assessment. आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। एशियाई बाजारों में आज अधिकतर बढ़त का रुख था। ये तेजी कल रात वॉल स्ट्रीट में हुई वृद्धि के बाद आई, हालांकि चीन और पश्चिमी देशों के बीच तनावों के चलते चीन में शेयर बाजार गिरावट पर बंद हुए। जापान का निकेई सूचकांक 1.8% के उछाल में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.8% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.6% की बढ़त में रहा और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1% की वृद्धि दर्ज हुई, लेकिन चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% गिरकर बंद हुआ। इस बीच यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन ताई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे चीन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए जल्दी ही चीन के अधिकारियों से बातचीत करेंगी और इस बातचीत से वाशिंगटन द्वारा पेचिंग पर लगाए जा रहे कठोर शुल्कों के भविष्य पर असर पड़ेगा। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने अनुचित समझी जाने वाली चीन की आर्थिक प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कल कदम उठाए। अधिकारों के हनन और चीन के प्रतिरोधक कदमों पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद आपसी विश्वास में कमी गहराने का ये एक और सूचक है। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.1% की वृद्धि पर था, फ्रांस के कैक में 0.2% की वृद्धि थी और जर्मनी का डैक्स 0.3% की बढ़त पर था। AKB, apart from the US rhetoric against China, which has continued from Donald Trump now to Joe Biden, now you have the European Union also accusing China of being anti-competitive saying that their way of doing business is completely unfair. What does this mean for bilateral trade deals and, more importantly, offshore outsourcing and manufacturing? Well, I think there is the strengthening of forces against China in the global markets, but China is a large, formidable power already, and China has many carrots that it can dangle to sections of the European Commission to neutralize such pressures. Yes, there will be some checks as a result of these warnings or threats, whatever you want to call them, but I think, to contain China and to prevent China
from seeking recourse to unhealthy practices, business practices, the kind of things that the European Commission is referring to, will require a new global compact, new global international arrangement in which China is a full and active participant. I think such chances right now are dim, and one has to wait and see in what way, through these pressures and enticements and incentives, can the global committee of nations can bring China back into the table for discussions and negotiations to ensure that the global trading arena is more fair, more equitable, and offering equal opportunities to all. मिस्टर भट्टाचार्य, आपको ब्रीफली ये नहीं लगता कि अभी पूरा जो सारे नेशंस का, चाहे वो डेवलपिंग हो, डेवलप्ड हो, उनका पूरा जो एम्फेसिस है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर वैक्सीन, यू नो, कोविड कंट्रोल एंड वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ावा देने की तरफ होना चाहिए? आपने सही कहा, इस वक्त अगर एक चीज की जरूरत है वो एक इंटरनेशनल वैक्सीन अथॉरिटी की, क्योंकि अगर ये जो महामारी या अतिमारी आप जो भी कहेंगे, इसको अगर रोकना है, अगर इसको नियंत्रण में लाना है, मैं समझता हूँ कि एक देश को वैक्सीनेट करके ही ये आपके लक्ष्य पूरा नहीं होगा। कि ये बीमारी ऐसा है कि अगर जो भी यूरोप में हो, या अमेरिका में हो, या अफ्रीका में हो, या एशिया में हो, जहाँ भी रहेगा, इस ग्लोबलाइजेशन की लहर में हम इस बीमारी से बच नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि एक इंटरनेशनल ग्लोबल एक अरेंजमेंट की जरूरत है जिसमें वैक्सीन डिलीवरी और वैक्सीन अवेलेबिलिटी का पूरा पर्याप्त एक अवेलेबिलिटी की एक फ्रेमवर्क दिया जाए। एक जो कोवैक्सीन की जो बात कर रहे थे, जो कोवैक्स की हम जो बात कर रहे थे, वो अभी भी ऑलमोस्ट स्टिल बॉर्न है। थोड़ी दिन वो काम किया कोवैक्स ने, पर उसके बाद अब ज्यादा नहीं काम कर रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने भी अपनी नेशनल इमरजेंसी के लिए उसमें कंट्रीब्यूशन से थोड़े बहुत कम हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि अनलेस जब तक ना हम एक इंटरनेशनल ग्लोबल अरेंजमेंट ऑन वैक्सीन जब तक पूरी तरह से कामयाब न होगा, ये महामारी को कंट्रोल लाना, नियंत्रण में लाना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा। एकेबी, सिंस द मे ऑफ लास्ट ईयर, हैवंट द डेवलप्ड नेशंस ऑलरेडी एंटर्ड इनटू बायलैटरल अग्रीमेंट्स विद ड्रग मैन्युफैक्चरर्स लाइक मोडर्ना, विच हैज एक्चुअली वेव्ड इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नाउ टू मैन्युफैक्चर दैट पर्टिकुलर वैक्सीन? Has India followed that step as well? And do you see the international cooperative taking off again? Well, unfortunately, India has not developed a new vaccine. The one that it has developed with ICMR and Bharat Biotech, and the other Indian, the Zydus vaccine, which is yet to be developed and getting the clearance. Apart from the Bharat Biotech Covaxin vaccine, India hasn't produced any vaccine on its own. The vaccine that the Serum Institute of India is producing is actually a vaccine produced by AstraZeneca and Oxford University. So I think the U.S. move is a good move. It augurs well. But then, as I said, that this will not be cannot be dependent only on bilateral treaties. There has to be an international arrangement so that countries that are not big or large or do not have much of a say, they also benefit from vaccination against a disease that can actually immobilize economic activity in any part of the world. Well, let's have a look at the U.S. market now. On Wall Street, the Dow hit a record high yesterday as growth stocks bounced from a steep sell-off in the previous session, and a survey showed private jobs rose in April. Technology-related companies, including Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, and Alphabet, rose between 0.1% and 1.7%. The ADP National Employment Report showed U.S. private payrolls increased in April as companies rushed to boost production amid a surge in demand, powered by massive government aid and rising vaccinations against COVID-19. A more comprehensive reading in the form of the Labor Department's non-farm payrolls data is due on Friday.
So the Dow Jones Industrial Average gained 97 points, 0.3% to close at 34,230. The S&P 500 moved up 3 points to end at 4,168, but the Nasdaq Composite fell 51 to 13,582. AKB, very briefly, on these companies, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook and Alphabet, immune really to what's happening with the COVID-19 pandemic, and in fact they've benefited from this economic crisis. Well, all the entire information technology sector in every part of the world has benefited from the COVID-19 spread, because the nature of this virus, the nature of the disease is such that it does not encourage contact intensive experiences. Wherever there is a physical contact or physical proximity, that kind of exercise is not encouraged. So therefore, the information technology companies, like you said about Amazon or about Microsoft and Apple, these thrive on businesses that are not relying on contact intensive experiences. So they actually allow businesses to be conducted without those contact-intensive experiences, so which is why they have done well and benefited hugely in this pandemic. Not that it is their doing, but I think they have taken full advantage of a situation that has evolved in the wake of the COVID-19 outbreak. Let's have a look at the second headline story. Finance Ministry today released the second monthly installment of post-devolution revenue deficit grant of 9,871 crore rupees for 2021-22 to 17 states. With this, a total amount of 19,742 crore rupees has been released in the first 2 months of the current financial year as post-devolution revenue deficit grant to the states. The grants are released as per the recommendations of the Finance Commission in monthly installments to meet the gap in revenue accounts of the states post-devolution. उधर कृषि मंत्रालय ने दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आगामी खरीफ 2021 सत्र के लिए एक विशेष खरीफ कार्यनीति तैयार की है। इसके तहत दलहन फसलों के बुआई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बीज एजेंसियों या राज्यों में उपलब्ध अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज निःशुल्क बांटे जाएंगे। आगामी खरीफ 2021 के लिए लगभग 82 करोड़ रूपये की लागत से वितरित किए जाने का प्रस्ताव है। ये संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले 10 गुना अधिक है। तुअर, मूंग और उड़द का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए वितरित की जाने वाली इस मिनी किट की लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन और किसानों के प्रशिक्षण के लिए कृषि प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन अनुसंधान संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों को भी लगाया जाएगा। Well, let's have a look at the oil market now. Global crude oil prices slipped after earlier gains today weighed by rising COVID-19 infections in India and elsewhere, and despite a much sharper than expected fall in US crude inventories. So Brent crude oil futures fell 28 cents to $68.68 a barrel. US crude futures lost 31 cents to $65.32 a barrel. US crude stocks fell more than expected last week as refining output rose and exports surged, the Energy Information Administration said yesterday. उधर दिल्ली सराफा बाजार में सोना 439 रुपए महंगा होकर 46,680 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। चांदी भी 1,302 रुपए की तेजी से 69,511 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़कर $1,792 प्रति आउंस पर था और चांदी बिना किसी खास बदलाव के $26.72 प्रति आउंस पर थी। मिस्टर भट्टाचार्य, हमारे पास 20 सेकंड हैं, आप हमें बता सकते हैं कि जो जानेत येलन ने कहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं यूएस में, अगर ऐसा होता है तो क्या ये हमारे लिए भी एक अच्छी खबर नहीं होगी? नहीं, हमारे लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि काफी जो पैसा जो यहाँ पे अटका हुआ है, लगा हुआ है, वो पैसे वापस जाने की हम जो शंका कर सकते हैं वो हमारे लिए अच्छा खबर नहीं होगा। पर मुझे ये नहीं लगता कि इतनी जल्दी इंटरेस्ट रेट वहाँ पे बढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत चर्चा के लिए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मिस्टर भट्टाचार्य। And before we close, a reminder of the headlines. At the stock market, Sensex climbs 272 points. Nifty advances 107 points. Rupee appreciates by 16 paise against the US dollar. Finance Ministry releases a second monthly installment of 9,871 crore rupees as grant to 17 states for the current financial year. And Ministry of Agriculture formulates a special Kharif strategy to attain self-sufficiency in the production of pulses. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.
हाँ।